بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبالوالدين احسانا ان اشكروا لي ولوالديك ساری تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو حی القیوم ہے جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے. کروڑوں درود بلکہ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے سے نوازا ہے. اور میں مسجد کی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہر سال مجھے یہاں پر بات کرنے کے لیے موقع دیتے ہیں. اور آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی مسجد سے میں نے بات کرنا شروع کی اور الحمدللہ یہاں سے پریکٹس کرتے کرتے الحمدللہ آج میں کئی جگہ پر بیان دے رہا ہوں, کئی عنوانات پر. اور آج میرا کوئی ایک خاص عنوان نہیں ہے, میں کچھ دیر بات کروں گا رمضان کی اہمیت پر, میں کچھ دیر بات کروں گا محنت کے اوپر, کوشش کے اوپر, اور میں کچھ دیر بات کروں گا نماز کے اوپر, اور آخر میں بات ہوگی والدین کے حقوق کے اوپر. تھوڑی تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے رمضان کی خصوصیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جانا چاہتے ہیں اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں آمین, اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین, پھر تیسری سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین. صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو آج ایک نیا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے تین مرتبہ جب سیڑھی پر قدم رکھا, آمین آمین کہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے,
और उन्होंने कहा कि अगर किसी को रमजान का महीना मिल जाए और वो उसमें अपनी मगफिरत ना करा ले तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर दूसरी मर्तबा आप जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रख रहे थे तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अगर किसी के सामने आपका नाम आ जाए और वो दुरूद ना पढ़े तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर तीसरी मर्तबा जब आप सीढ़ी पर कदम रख रहे थे तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अगर किसी को अपने बूढ़े माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत ना करे तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो ये रमज़ान की अहमियत है दोस्तों। रमज़ान के रोज़े जो लोग छोड़ देते हैं, रमज़ान को ईजी समझते हैं, ये समझते हैं कि रमज़ान बार बार हमारी ज़िंदगियों में आ जाएगा और हम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ रहेंगे, हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। जिस तरीके से रमज़ान की अहमियत हमारे दिलों में होना चाहिए उस तरीके से इसकी अहमियत अगर हम नहीं देंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान और खसारे में रहेंगे। इसीलिए रमज़ान का बहुत अहम ये जो महीना है इसकी हमको पूरे रोज़े रहकर इसमें हमको इबादत करना है और तिलावत करना है, क्योंकि सूरह बकरा में आता है कि हमने तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं जैसा कि दूसरी कौमों के ऊपर रमज़ान के रोज़े हमने फ़र्ज किए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। लेकिन हमारा ये मामला है, हम रमज़ान की हद तक तक्वे में रहते हैं, रमज़ान की हद तक अल्लाह का डर हमारे दिल में रहता है, और जब रमज़ान चला जाता है, जैसे ही ईद का चांद नजर आ जाता है, हमारे दिलों से तक्वा चला जाता है। और इसी तरीके से हमारी मस्जिदों का हाल फिर से उसी तरीके से हो जाता है जैसा कि रमज़ान के बाद हुआ करता था। लोग मस्जिदों में कम आते हैं और फजर की नमाज से उसका मामला शुरू हो जाता है। जहां पर पूरी मस्जिद भरा करती थी वहां पर एक या दो सफ वहां पर रहते हैं। किसी साहबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, हमको कैसे मालूम हो कि हमारे रमजान के रोजे कबूल हो जाते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम रमज़ान में जिस तरीके से रहते हो, रमज़ान में जिस तरीके से तुम नमाजों की पाबंदी करते हो, रमज़ान में जिस तरीके से तुम कुरान की तिलावत करते हो, रमज़ान में जिस तरीके से तुम अल्लाह का डर अपने दिल में रखते हो, रमज़ान की तरह तुम लोगों से अच्छा सलूक करते हो, खैर खैरात करते हो, इसी तरीके से रमज़ान के बाद भी अगर तुम्हारा अमल इसी तरीके से अगर है तो समझो तुम्हारे रमजान के रोजे कबूल हुए। और सहाबा इकराम जब रमजान आता था तो 6 महीने पहले से रमजान की तैयारी में लग जाते और अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह हमको रमजान जिस तरीके से हमको इबादत करना चाहिए उस तरीके से हमको इबादत गुजार बना। फिर रमजान जब गुजर जाता तो सहाबा इकराम 6 महीने तक रमजान की इबादतों की कबूलियत के लिए दुआ करते थे। लेकिन हमारा हाल यह हो गया है दोस्तों, हमको यह देखने में आता है जैसे ही रमजान का चांद दिखता है नौजवान अपने चेहरे पे पहले दाढ़ी कटाता है जाके, पूरे हजामत खानों में यह मामला होता है कि सारे के सारे हजामत खाने फुल रहते हैं और नौजवान अपनी दाढ़ी को कटाता है। क्या हम सिर्फ रमजान के तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है दोस्तों?
क्या हमारे चेहरे जिस तरीके से रमजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, दाढ़ी की सुन्नत को जो हम कटाते हैं, इसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि सुन्नत के ऊपर हम लोग बात नहीं करते। कई मस्जिदों में झगड़े होते हैं तो टोपी नहीं पहनने के झगड़े होते हैं या कुछ और मौजू पे झगड़े होते हैं, लेकिन सुन्नत के ऊपर अगर कोई नहीं कहता तो हमारे इमाम नहीं कहते। सुन्नत के बारे में किसी से कहा जाता ही नहीं। दाढ़ी काटने का इतना बड़ा नुकसान है, किसी आलिम साहब ने कहा वजू के जब हम वजू करते हैं तो दाढ़ी का खिलाल जो करना है जरूरी है, और अगर दाढ़ी का हम खिलाल नहीं करेंगे तो वजू नहीं होगा। तो फिर अगर किसी की दाढ़ी नहीं है तो वो खिलाल अगर नहीं करेगा तो क्या उसका वजू नहीं होगा? ये सवाल पैदा होता है दोस्तों। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत को हमारे चेहरों पर रख के जिंदा करना है, और हमारे साथ जो खबर में जाने वाली सुन्नत है वो दाढ़ी है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं हमको तौबा का वक्त मिलेगा, हमको इंशाल्लाह हम जब मरते रहेंगे। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कलमा नसीब करे। लेकिन कलमा तो नसीब होगा, लेकिन अगर हम दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम 2-3 दिन में दाढ़ी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमको, मैं तमाम नौजवानों से और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सुन्नत है, इसका ख्याल रखिए और इंशाल्लाह अपने चेहरे पे दाढ़ी की जो सुन्नत है जिंदा रखिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये जा रहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सच्ची और पक्की मोहब्बत करता है। बातों से मोहब्बत नहीं करना है दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत करना है और आपकी जात से भी मोहब्बत करना है। दोनों में जब मोहब्बत करेंगे तो हमारी मोहब्बत पूरी होगी। मोहब्बत तो चचा भी किया करते थे। अबू तालिब जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करते थे। अबू तालिब कहते अगर मेरे भतीजे की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली को तोड़ दूंगा, अगर कोई मेरे भतीजे की तरफ निगाह उठाएगा मैं उसकी आंख को फोड़ दूंगा। लेकिन जब आखिरी वक्त आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए, बोले चचा कम से कम मेरे कान में कलमा पढ़ दीजिए। चचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सिर्फ जात से मोहब्बत करते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत नहीं करते थे। लेकिन हमको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करना है और उनकी बात से भी मोहब्बत करना है। इसीलिए सुन्नतों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर कोई नौजवान जानबूझ के अगर रोजे छोड़ देता है, जानबूझ के कोई नौजवान या कोई इंसान जानबूझ के अगर रमजान के रोजे छोड़ देता है, तो वो रमजान के बाद भी अगर रोजा रखेगा तो सारी उम्र रोजे रखे फिर भी उसको रमजान का सवाब नहीं मिलेगा। अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत है, हदीस में आता है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, ख्वाब देखने की बात होती है, सबने एक दूसरे से कहा किसी ने ख्वाब देखा, तो सबने कहा कि हम लोगों ने नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मुझे फरिश्ते एक पहाड़ के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं हम आपकी मदद करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पहाड़ पर चढ़ाया जाता है। उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीख व पुकार की आवाजें आती है। फरिश्ते फरिश्तों से पूछते हैं कि ये क्या मामला है, कौन से लोग हैं?
तो फरिश्ते कहते हैं कि आप और आगे बढ़िए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, लोगों को उल्टा लटकाया गया है, सर के बल उल्टा लटका दिया गया और लोगों के जबड़ों को काटा जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये कौन लोग है, तो वो कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ये जानबूझकर रमजान के रोजे छोड़ा करते थे तो उसलिए उनको ये अजाब दिया जा रहा है। कितना भयानक अजाब है दोस्तों, सर के बल उल्टा लटकाया जाएगा और जबड़ों को काटा जाएगा। जो लोग जानबूझकर रोजे छोड़ते हैं उनके लिए ये दर्दनाक अजाब है। इसीलिए हमको अल्लाह से डरना है और अल्लाह से डर के तक्वा इख्तियार करना है और रमजान की जो अहमियत है उसके बारे में हमको सोचना है दोस्तों। और अगर रमजान का सवाब हमको पता चल जाए तो इंशाल्लाह कोई रोजा नहीं छोड़ेगा, कोई कुरान की तिलावत नहीं छोड़ेगा। जितना वक्त हमको सुबह से लेकर रात तक मिलता है हमारी जबान को अल्लाह के जिक्र में रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला रमजान में उसका 70 दर्जे हमको सवाब ज्यादा देते हैं। इसीलिए ये दुनियादारी के बजाय हमको अल्लाह के जिक्र में हमेशा रहना है। दो भाई, हदीस में आता है अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन, तलहा बिन उबैदुल्लाह से मरवी है, वो रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दो भाई आए और दोनों भाई ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो इस्लाम कबूल किए, कुछ दिन के बाद जिहाद के लिए जाना था, तो दोनों भाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, कहा ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके साथ जिहाद में जाना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इजाजत दे दी और दोनों भाई जिहाद में गए। फिर उसके बाद एक भाई वहां पर शहीद हो गए और दूसरे भाई वापिस आ गए। वापिस आने के बाद जो दूसरे भाई थे, कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गए, कुछ महीनों के बाद वो बीमार पड़ गए, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला वो कहते हैं कि मुझे मेरे दिल में ये बात आ रही थी, ये भाई जो बीमार हुए हैं काश के वो भी जिहाद में शहीद हो जाते, उनके दिमाग में ये बात चल रही थी। फिर कुछ दिन के बाद वो भाई बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हो जाता है। अबू तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन ख्वाब में देखते हैं कि जन्नत का दारोगा है, दोनों भाई ठहरे हुए हैं, ये भी ठहरे हुए हैं, तो जन्नत का दारोगा आता है, आके जो दूसरे भाई जो होते हैं, जो आम दिनों में जिसका इंतकाल हो जाता है, वो उनको अंदर जन्नत में ले जाता है। तो ये कहते हैं कि अरे जन्नत में आप शहीद को नहीं ले जा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, रुकिए, लेकिन वो उन्हें जन्नत में लेके चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद फिर दारोगा आता है, जन्नत में दूसरे शहीद भाई को ले जाता है, ये भी साथ में जाना चाहते हैं, जन्नत का दारोगा इनके सीने पर हाथ रख के इन्हें रोक देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तलहा बिन उबैदुल्लाह आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने ये मामला देखा कि शहीद से पहले दूसरे भाई को ले जाया जा रहा था, ऐ अल्लाह के नबी ये मामला क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या दूसरे भाई को रमजान का महीना मिला था, तो ये कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी उनको मिला था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शहीद से ज्यादा उसका मर्तबा हो गया, क्योंकि उसको रमजान मिला और रमजान में उसने अपनी मग़फ़िरत करा ली, उसने इतनी इबादत की, अल्लाह से तौबा की, अपने गुनाहों की माफी की, नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत की, इसीलिए अल्लाह ने रमजान की बरकत से उसको पहले जन्नत में दाखिला दे दिया। इसीलिए दोस्तों हम तमाम लोगों को जो रमजान की अहमियत है, इसको हम तमाम लोगों को इसके बारे में ख्याल रखने की जरूरत है। और आखिर में मैं आप तमाम लोगों से
वालदैन के हुकूक के ऊपर बात करना चाहता हूं। हम लोग आज, हमारा ऐसा माहौल हो चुका है दोस्तों, जहां पर हम बैठते हैं, उठते हैं, जहां घरों में जाते हैं, अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, 10th पास कर लेता है या इंटरमीडिएट में चला जाता है, तो अपने माँ बाप से झिड़क के बात करता है और अपने वालदैन से सही बात नहीं करता। जब माँ उसे कुछ कहती है तो माँ को झिड़क देता है, जब वालिद उसके सामने कुछ कहते हैं तो वालिद को झिड़क देता है। हम लोग माँ बाप की जिस तरीके से फरमाबरदारी करना चाहिए था, हम लोग नहीं कर रहे हैं। जबकि कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालदैन के साथ तुम एहसान किया करो। एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर ज्यादा किसका हक है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तेरी माँ का। फिर पूछते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर किसका ज्यादा हक है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारी माँ का। फिर पूछते हैं, फिर तीसरी मर्तबा भी जवाब मिलता है कि तुम्हारी माँ का। जब चौथी मर्तबा पूछते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे बाप का। ये माँ का दर्जा है दोस्तों, लेकिन हम लोग माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। हजरत अलखमा रजी अल्लाह तआला का वो वाकया मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अलखमा रजी अल्लाह तआला का आखिरी वक्त है, लेकिन अलखमा की जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बीवी जाके कहती है, अल्लाह के नबी, अलखमा की जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अलखमा के माँ बाप जिंदा है? तो कहती है, नहीं अल्लाह के नबी, अलखमा की सिर्फ माँ जिंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ को बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं कि अलखमा कैसा लड़का है? तो माँ कहती है, अलखमा नमाज का पाबंद है, अलखमा कुरान की तिलावत करता है, अलखमा तहज्जुद गुजार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या तुम अलखमा से राजी हो या तुम अलखमा से नाराज हो? तो माँ कहती है, अल्लाह के नबी, अलखमा सब चीजों का तो पाबंद है, लेकिन अलखमा जब मुझसे बात करता है अल्लाह के नबी, मेरा दिल तोड़ देता है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अलखमा से राजी नहीं हूं, मैं अलखमा से नाराज हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अलखमा को माफ कर दो, उसका आखिरी वक्त है, उसकी जुबान पे कलमा नहीं आ रहा है। तो माँ कहती है, अल्लाह के नबी, मैं नहीं माफ करूंगी, ये जब भी बात करता था, झिड़की से बात करता था, मेरा दिल तोड़ देता था, मैं इसे नहीं माफ करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बिलाल, लकड़ियां इकट्ठा करो बिलाल। माँ कहती है, क्यों अल्लाह के नबी, लकड़ियां क्यों? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम अलखमा को उसके अंदर जला देते हैं। माँ कहती है, अल्लाह के नबी, आप अलखमा को जलाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तुम अलखमा को माफ नहीं करोगी तो अलखमा जहन्नुम में जलेगा, इसीलिए हम अलखमा को यहीं पर जला देते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, माँ कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अलखमा को माफ करती हूं। जैसे ही माँ कहती है कि मैं अलखमा को माफ करती हूं, वहां पर अलखमा की जबान से कलमा जारी हो जाता है और अलखमा का इंतकाल हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलखमा का जनाजा पढ़ाने के बाद सारे सहाबा इकराम से कहते हैं, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, अपने माँ बाप से झिड़की से बात मत करो, और अपने माँ बाप का तुम शुक्र अदा करो। और कुरान में आता है कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, कुरान की आयत है। और एक जगह कुरान कहता है, अनिश्कुरुनी वली वालिदाय, तुम अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। क्या आज हम इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहते हैं दोस्तों, या गुजार रहे हैं? अगर नहीं गुजार रहे हैं तो ये रमजान का महीना है, ये तौबा का महीना है, यह
का महीना है। अल्लाह ताला जो तौबा करते हैं, अस्तगफार करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करता है। अभी तौबा करिए और इंशाल्लाह आज से अपने माँ बाप के फरमा बरदार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जिसका अल्लाह राजी है उसके माँ बाप भी राजी है, जिसके माँ बाप नाराज है उसका अल्लाह भी नाराज है। हम लोग लाइट ले लेके माँ बाप को छिड़की से बात करते हैं, कभी कॉलेज में आ गए या डिग्री कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टर बन चुके हैं तो माँ बाप को छिड़की से बात करते हैं। और कई मुसलमानों को देखा गया कि अपने अपने जिंदगियों में इतने मशगूल हो चुके हैं कि कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई सऊदी अरब में रह रहा है और अपने माँ बाप को हिंदुस्तान में छोड़ के जा चुके हैं। और कई लोग अपने माँ बाप का ख्याल जब दिल में आया तो माँ बाप को लेके जाके कहां पर रख दिए, बूढ़े लोगों के आश्रम में डाल दिए। क्या माँ बाप का ये मर्तबा है? क्या इसीलिए माँ बाप ने हमको बड़ा किया था, पाला था, पोसा था? हमको सोचना है दोस्तों, अगर जो माँ बाप की दुआएं लेंगे वो जिंदगी में कामयाब है और जो दुआएं नहीं लेंगे उनकी जिंदगी नाकाम है। क्योंकि बड़े बड़े अंबिया को भी माँ बाप की दुआ की जरूरत थी दोस्तों। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे चढ़ना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मूसा कलीमुल्ला अल्लाह से बात किया करते थे, मूसा कलीमुल्ला तूर पे जाते और अल्लाह से बात किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे चढ़ना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अभी चढ़ना शुरू किए, अल्लाह ताला ने मूसा से कहा मूसा रुक जाओ। मूसा कलीमुल्ला परेशान हो जाते हैं, मूसा कहते हैं अल्लाह मैं तूर पे आया भी नहीं, आपसे बात भी नहीं किया, आपने मुझे रोक दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं मूसा तुम्हारे पीछे चार हाथ हुआ करते थे मूसा, अरे मूसा हमने तुम्हारे माँ बाप को मौत दे दी मूसा, अरे मूसा तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे मूसा, तुम ये ना समझना मूसा कि तुम नबी है बोल के हम तुमको अता करते थे मूसा। मूसा तुम जब घर से निकलते थे मूसा तो तुम्हारी माँ घर का दरवाजा लगाते हुए ये कहती थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मूसा जिद्दी है, कुछ मांग ले तो दे देना। ऐ मूसा तुम्हारी माँ दुआ करती थी इसीलिए हम तुमको अता करते थे मूसा, आज तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे मूसा, हम चाहे तो तुम्हें देंगे या चाहे तो रद्द कर देंगे। मूसा बिन इमरान सजदे में गिर जाते हैं और आह व बका करते हैं, अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं। इतना बड़ा मर्तबा है दोस्तों, लेकिन हमारे जहनों में हमारे दिलों में ये बात आती नहीं है। कभी मोहब्बत से झिड़की दे देते हैं, कभी लिटरली हम झड़क देते हैं अपने माँ बाप को। ये बहुत कीमती चीज है दोस्तों। अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं तो उनको उनके माँ बाप की खिदमत करना जरूरी है, उनकी दुआएं लेना है। अगर जो माँ बाप की दुआएं लेगा वो दुनिया में भी सरखरू होगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत भी देंगे, वहां पर भी उसका मुकाम अच्छा होगा। इसलिए माँ बाप की फरमाबरदारी करो, माँ बाप से अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम जीरो है इंशाल्लाह तुम माँ बाप की खिदमत करो, देखो उसके बाद तुम्हारा मुस्तकबिल किस तरीके से अच्छा होता है। क्यों जरूरी है दोस्तों? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ताला कहते हैं ऐ मूसा जन्नत में तुम्हारा साथी एक खसाई होगा, खसाब होगा। मूसा अलैहि सलाम कहते हैं खसाब? तो हाँ बोले मूसा खसाब होगा। तो मूसा अलैहि सलाम बोलते हैं ऐ अल्लाह मैं उस खसाई से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उस खसाई का मूसा अलैहि सलाम को पता देते हैं। मूसा अलैहि सलाम वो खसाई की दुकान पे जाते हैं, उससे गुजारिश करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहना चाहता हूं, क्या तुम मुझे रहने दोगे? तो खसाई कहता है कि जरूर आप मेरे साथ में रहिए। खसाई के पास बैठते हैं, खसाई जब दुकान बंद करता है कुछ थोड़ा गोश्त अपनी थैली में डालता है और अपने घर को ले जाता है।
फिर उसके बाद वो घर को जाने के बाद उसका सालन बनाता है, फिर रोटी डालता है और बिस्तर पे उस कसाई की माँ बिस्तर पे होती है, वो करीब जाता है, अपनी माँ को उठाता है और अपनी माँ को हाथ से रोटी और सालन खिलाता है, फिर उसके बाद पानी पिलाता है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ये नज़ारा दूर से देख रहे हैं। उसके बाद माँ जब पानी पी लेती है तो मुंह में कुछ बड़बड़ाती है, उसके बाद लेट जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई से पूछते हैं कि जब तुमने अपनी माँ को खाना खिलाया, पानी पिलाया, पहले वो पूछते हैं कि ये कौन औरत थी, तो वो कहते हैं वो मेरी माँ है, बिस्तर पे है, तो तुमने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर उसके बाद वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी, कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? तो वो कसाई कहता है कि मेरी माँ इतनी मोहब्बत में आ जाती है, मुझको इतनी दुआएं देती है, दुआएं देते देते वो ये दुआ भी मुझे देती है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना, ये माँ मेरी दुआ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं माँ की दुआ मिलने की वजह से ये खसाई को अल्लाह ताला ने जन्नत में मेरा साथी बना दिया। इतनी बड़ी माँ बाप की दुआएं हैं दोस्तों। अगर तुम कुछ नहीं हो, मैं कहता हूं आज से शुरू कर दो, एक दो महीने के बाद मेरे से मिलना, फिर कहना कि हमने माँ बाप की खिदमत की, उनसे झिड़की से बात नहीं की, फिर भी हमारा फ्यूचर नहीं बन रहा है। इंशाल्लाह मैं यहां पर इस फतेह दरवाजे की मस्जिद में ठहर के ये चैलेंज से कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। और मैं यही समझता हूं कि मेरी भी जो जिंदगी बदली दोस्तों, मेरे माँ बाप की दुआओं से बदली। मिस्टर वर्ल्ड बनना कोई मामूली बात नहीं है। कई बॉडी बिल्डर्स है इस दुनिया में, इंडिया की टीम का कैप्टन बनना दो मर्तबा, कई बॉडी बिल्डर्स है, इंडिया की टीम का कोच बनना और इंडिया को रिकॉर्ड दिलाना, हिस्ट्री में पहला नाम लाना एज ए कोच, ये कुछ नहीं है दोस्तों, मेरी कोई हस्ती ही नहीं है। अल्लाह ने मुझे ऊपर इसीलिए किया कि माँ बाप की दुआएं हैं। आप लोगों से भी मैं कहूंगा अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह को याद करिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मांगना है, बार 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 मांगना है। दुआ नहीं करते हम लोग, पहले तो नमाज नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद दुआ नहीं करते। पांच वक्त पकड़िए दोस्तों, अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़िए, मजबूती से पकड़िए। कुरान कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जो लोग पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगर वो सुबह में कुरान की तिलावत करने के बाद अगर इशराक की नमाज दो नफिल अगर पढ़ते हैं, फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। जो इशराक के जो नफिल है ना दोस्तों, अगर बंदा पढ़ ले, अल्लाह के जिक्र में रहे, उसी वजू से पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसके कामों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, इतना बड़ा सवाब है। सिर्फ रमजान में नहीं, हमको रमजान के बाद भी अल्लाह के जिक्र में रहना है, अल्लाह को पुकारना है। और अल्लाह के जिक्र के बारे में दो आयतें और दो हदीस सुना के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह का जिक्र, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, हदीसे कुदसी में आता है कि अल्लाह का जहां पर जिक्र होता है, जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की झुरमुट जमा हो जाती है। अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ कि ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आपके ये बंदे मग़फ़िरत चाहते हैं। अल्लाह ताला उन फरिश्तों को गवाह रख के कहता है कि तुम लोग गवाह रहना, मैंने इन तमाम की मग़फ़िरत कर दी। फिर फरिश्ते पूछते हैं कि बताओ, अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों से, बताओ कि मेरे बंदे और क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह आपके ये तमाम बंदे जन्नत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को गवाह रख के कहता है कि तुम लोग गवाह रहना, मैंने इन तमाम को जन्नत दे दी।
ये सवाब है दोस्तों अल्लाह के जिक्र का, इतना बड़ा सवाब है। और कुरान में आता है अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान है, दूसरी चीज में इत्मीनान है ही नहीं। अगर कोई बंदा रोजाना सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबे अगर पढ़ता है, तो अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। कुरान क्या कहता है जिक्र करने वालों के बारे में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा बोल रहे हैं। तो इसीलिए बार बार अल्लाह को याद करना है, अल्लाह से माफी चाहना है। और रमजान का जो आखिरी अशरा है उसके अंदर बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, ऐ अल्लाह के नबी अगर हमको रमजान का आखिरी अशरा अगर मिल जाए, ताक रातों की अगर रातें मिल जाए, तो इसमें हम तमाम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ बताई है, वो दुआ हमको याद करना है और पढ़ना है। छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी, ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा, और ऐ अल्लाह तू गुनाहों को माफ करता है और तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो इसीलिए हमको यही दुआ करना है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को रमजान की अहमियत जो है, ऐ अल्लाह रमजान के महीने की इबादत करने वाला बना, ऐ अल्लाह 5 वक्त का नमाज का पाबंद बना, रमजान और गैर रमजान में भी हमें पाबंद बना। ऐ अल्लाह जिस तरीके से हम रमजान में कुरान की तिलावत करते हैं, ऐ अल्लाह आम दिनों में भी हम तमाम लोगों को तिलावत करने वाला बना, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को माँ बाप का फरमा बरदार बना, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को दीन का दाई बना, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को तौबा करने वाला बना, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह आप रहमान हैं रहीम हैं, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों की इस रमजान में मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं ऐ अल्लाह तमाम की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह जिस तरीके से हम तेरे घर में इस तरीके से जिस तरीके से हम जमा हैं, ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को अपनी जन्नत में जमा फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।